माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा गुरुवार से शुरू हुई, जिसमें पहला पेपर अंग्रेजी विषय का हुआ। 17 फरवरी से शुरू हुई है। परीक्षा की शुरुआत आसान पेपर से हुई है। जिले के परीक्षा केंद्रों में पर्चा देखकर लौटी छात्राओं ने बताया कि अंग्रेजी का पेपर आसान था और छात्रों को इसे हल करने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कई छात्रों को थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन कई छात्रों ने उसे भी एवरेज ही बताया। सुबह 10:30 बजे अंग्रेजी विषय का पेपर शुरू हुआ, जो 1 बजे खत्म हुआ। केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। कोविड के खतरे से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी केंद्रों पर की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया, परीक्षा में 13,040 नियमित और 2,256 स्वाध्याय विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था की गई थी। परीक्षा के दौरान 248 नियमित और 369 स्वाध्याय विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। किसी भी सेंटर पर कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। परीक्षा के लिए हमने 92 जो है केंद्र बनाए थे, जिसमें कुल विद्यार्थी हाई सेकेंडरी में 16,056 बैठे थे और आज अंग्रेजी विषय का पेपर था, जो सभी केंद्रों पर ये संचालित हुआ। ये कब तक ये परीक्षा आयोजित होगी सर? ये 12 मार्च तक हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की आयोजित होगी। हाई स्कूल की कल से है? हाई स्कूल की कल से है। हाई स्कूल में 22,541 जो है कैंडिडेट रहेंगे परीक्षार्थी, जिसमें 100 परीक्षा केंद्र है जिले में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।